हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाइट आउट मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जिसको कि डायरेक्ट किया है डेविड एफ सैंडबर्ग ने, और इस मूवी के प्रोड्यूसर जेम्स वान है। और आप सभी को पता ही है कि जहां पर जेम्स वान का नाम आ जाए वो मूवी कितनी हॉरर हो सकती है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी पर रेटिंग की तो 6.3 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक वेल टेक्सटाइल एजेंसी को दिखाते हुए होती है, जिसका मालिक पॉल होता है। वह वीडियो कॉल पर अपने बेटे मार्टिन से बात कर रहा होता है। मार्टिन कहता है कि मॉम की तबीयत खराब है और वो फिर से अपने आप से बात करने लगी है, और मार्टिन को यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तो वह अपने पिता को जल्दी घर आने के लिए कहता है। तो उसके पिता कहते हैं कि वह जल्दी ही घर आ जाएंगे और उसकी मॉम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी वहां पर पॉल की असिस्टेंट एस्टर आ जाती है और वो कहती है कि वह सभी को एम्प्लॉय को घर भेज दे अगर कोई काम ना हो तो। तो पॉल सभी को घर भेजने के लिए कहता है और वो अपना काम करने लगता है। फिर एस्टर ऑफिस बंद करने लगती है और वह एक कमरे को लाइट को बंद करती है, तो वहां पर उसे एक साया नजर आता है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो साया गायब हो जाता है। तो एस्टर को विश्वास नहीं होता है, तो वो लाइट को ऑन ऑफ करने लगती है और वो साया धीरे धीरे उसके काफी करीब आ जाता है, जिस वजह से एस्टर काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही पॉल के पास जाती है और वो कहते है कि उसने कुछ देखा है जो कि गायब हो गया। और यहाँ पर पॉल फोन पर बिजी होता है, तो उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद पॉल हॉल में जाता है, जहाँ पर उसे एक साया नजर आता है। पहले तो उसे लगता है कि एस्टर होगी, लेकिन उसके लंबे लंबे हाथ और पैर को देख कर वह समझ जाता है कि यह कुछ और ही है, जिससे वह डर कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वह साया उसे मारकर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट लग जाती है। तभी पॉल देखता है कि वह साया रोशनी में नहीं आ सकता है, जिसका वह फायदा उठाकर अपने ऑफिस में भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उसके ऑफिस की भी लाइट बंद हो जाती है और उसका दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करने लगता है। फिर वह साया पॉल को काफी बुरी मौत मार देता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में होता है। तो उसे अपने मॉम सोफी के कमरे से आवाज आ रही होती है, तो वह डरते हुए अपने मॉम के कमरे के पास जाता है, जहां पर उसकी मॉम सोफी कहते हैं कि हमने तुम्हें जगा दिया, जिसे सुनकर मार्टिन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर सोफी के अलावा कोई भी नहीं होता है। फिर सोफी उसे सोने के लिए वापस भेज देती है, तो मार्टिन वापस जाने लगता है। फिर वो पलटकर देखता है तो उसे सोफी के कमरे में एक शैतानी हाथ दिखता है, जिससे वह डरकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी मार्टिन के दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से मार्टिन काफी ज्यादा डर जाता है और वो रात को सो नहीं पाता है। अगले दिन वो स्कूल में ही सो जाता है, जिस वजह से स्कूल वाले मार्टिन को चाइल्ड वेलफेयर को सौंप देते हैं और वो लोग सोफी को फोन करते हैं, लेकिन सोफी फोन नहीं उठाती है। तो वह लोग मार्टिन के बहन रेबेका को कॉल करते हैं और रेबेका को यहाँ पर बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेबेका आती है और वह लोग रेबेका से मार्टिन के बारे में बताते हैं कि मार्टिन इस हफ्ते में 3 बार सोते हुए पकड़ा गया है। फिर रेबेका सब कुछ संभाल लेती है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में इनके बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों सौतेले हैं। इनकी माँ एक है, लेकिन इनके पिता अलग अलग हैं। फिर रेबेका मार्टिन से पूछती है कि क्या मॉम किसी और से मिलती है या किसी और से बात करती है, जिस पर मार्टिन हाँ कहता है और वो किसी डायना के बारे में बताता है कि माँ अक्सर डायना से बात करती है और उसे ही सब कुछ बताती है। तो डायना का नाम सुनकर रेबेका हैरान हो जाती है और वो कहते हैं कि डायना नाम की कोई औरत नहीं है। फिर वह दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहां पर मार्टिन को लेकर रेबेका और सोफी के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर मार्टिन अपना सामान पैक कर लेता है और वो लौटने लगता है, तो वो सोफी के कमरे की तरफ देखता है तो उसे कमरे के अंदर वही साया नजर आता है, जिससे वो डर कर नीचे भाग जाता है। और यहाँ पर रेबेका उसे लेकर वहां से जाने लगती है और सोफी रोकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों नहीं रुकते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। रात को रेबेका मार्टिन को लेकर सो रही होती है, तभी उसकी नींद अचानक ही खुल जाती है और वो देखती है कि मार्टिन उसके पास नहीं है और उसके दरवाजे के पास फर्श पर कोई साया खरोच रहा है। उसे लगता है कि मार्टिन है और उसके घर के बाहर एक लाइट ब्लिंक कर रही होती है, तो उसकी रोशनी पड़ने पर वहाँ पर कोई नहीं होता है, जिस वजह से रेबेका डर जाती है।
और जब वहाँ पर दोबारा अंधेरा होता है तो वह शहर रेबका को मारने के लिए उसके ऊपर आती है, तभी वहाँ पर रोशनी हो जाती है जिस वजह से वह साया वहाँ से गायब हो जाती है। इसी बीच रेबका जल्दी से घर की सारी लाइट को ऑन कर देती है और वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर देखती है कि मार्टिन बाथटब में सो रहा है। वो सोते हुए भी एक टॉर्च को ऑन रखा है। अगली सुबह रेबका घर पर वही चाइल्ड फेयर वाले आते हैं, जो कि कहते हैं कि कानूनी तौर पर मार्टिन की गार्जियन सोफी है, ना कि रेबका। फिर वो मार्टिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रेबका वापस घर के अंदर आती है और उस जगह को देखती है जहाँ पर कल रात वो साया कुछ खरोच रहा होता है। तो वो वहाँ का कारपेट को हटा कर देखती है तो वहाँ पर डायना लिखा होता है और वहाँ पर एक फ्रेंड का चित्र भी बना हुआ होता है, जिसे देखकर रेबका तुरंत ही अपने माँ के घर अपने फ्रेंड ब्रेड के साथ निकल पड़ती है, जहाँ पर सोफी घर पर नहीं होती है। फिर रेबका ब्रेड को दरवाजे पर खड़े करके अंदर चली जाती है और वो सोफी के सामान को देखने लगती है, तो उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें सोफी के साथ एक फ्रेंड होती है जो कि डायना थी। आगे उसे पता चलता है कि सोफी जब छोटी थी तब वो मेंटल हॉस्पिटल में जाया करती थी, जहाँ पर उसे डायना मिली और उस वक्त डायना को एक स्किन डिजिट की बीमारी होती है, जिस वजह से डायना पर रोशनी पड़ने पर उसकी स्किन जलने लगती है, इसलिए डायना हमेशा अंधेरे में ही रहती है। और यहाँ के लोगों का मानना यह था कि डायना एक शैतान है जो कि कमजोर लोगों पर हावी होकर उन्हें पोजेस्ट कर लेती है। यहाँ तक कि डायना ने अपने पिता को ही पोजेस्ट कर लिया था, जिस वजह से उसके पिता ने अपना आत्महत्या कर लिया। और जब डॉक्टरों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले गए तो डायना के ऊपर कुछ ज्यादा ही लाइट पड़ गई, जिस वजह से डायना की मौत हो गई। इतनी जानकारी पाने के बाद रेबका अपने बचपन वाले कमरे में जाकर एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में डायना उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और वो रेबका को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी ब्रेड को उसकी आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत ही उस दरवाजे के जाकर खोलता है तो वहाँ पर रोशनी हो जाती है, जिस वजह से डायना उसे छोड़कर भाग जाती है। फिर रेबका उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सोफी मार्टिन को लेकर घर के अंदर जाती है, जहाँ पर सोफी मार्टिन के साथ टाइम बिताने के लिए एक मूवी को लगाती है और वह घर की सारी लाइट को बंद कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर डायना आने लगती है और सोफी मार्टिन को समझाने की कोशिश करती है कि डायना उनकी फ्रेंड है, ना कि दुश्मन। तभी डायना मार्टिन के सर को पकड़ लेती है, जिस वजह से मार्टिन काफी ज्यादा डर जाता है और वो किसी तरह डायना से फ्री होकर वहाँ से भाग जाता है और वो सीधे रेबका के घर पर जाता है, जहाँ पर रेबका उसे घर के अंदर लेती है। ये दोनों यहाँ पर मिलकर एक दूसरे को डायना के बारे में बताते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी मॉम सोफी को डायना से बचाना होगा, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं ले रही है जिस वजह से वो मेंटल होती जा रही है और उसी का फायदा डायना उठाकर उसे कब्जे में करना चाहती है। इसी बीच उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और रेबका जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी इनके घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगती है, फिर बेड के नीचे से मार्टिन को कोई खींचने लगता है, लेकिन कैसे भी करके रेबका उसे बचा लेती है और बाहर निकालती है। अब यहाँ पर बात हद से ज्यादा बढ़ गई होती है, जिस वजह से रेबका मार्टिन और ब्रेड सोफी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर डिनर के टाइम पर रेबका सोफी से डायना के बारे में पूछती है तो सोफी कहती है कि डायना उसकी फ्रेंड है और वो आगे कुछ भी नहीं बताती है। फिर रेबका उनकी फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या यही डायना है, जिसे देखकर सोफी उन पर भड़कने लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रेबका मार्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो मार्टिन कहता है कि माँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए वो उसकी मुश्किल घड़ी में उसे छोड़कर नहीं जाएगा बल्कि उसका साथ देगा। तो यह सुनकर रेबका भी अपनी माँ को हेल्प करने के लिए यहीं पर रुक जाती है और उनके साथ ब्रेड भी यहीं पर होता है। फिर रेबका सेफ्टी के लिए घर की सारी लाइट को ऑन कर देती है और टेप से सभी स्विच को चिपका देती है ताकि कोई भी लाइट को बंद ना कर पाए। फिर रेबका सोफी के पास जाती है, जहाँ पर सोफी रेबका को गले लगाती है और वो उसके हाथ में कुछ चीट थमाकर चली जाती है और उस चीट में आई नीड हेल्प लिखा होता है, जिसका मतलब साफ होता है कि सोफी ने भी डायना से दोस्ती कोई मजबूरी में ही रखी है। आधी रात को डायना घर की सारी लाइट को बंद कर देती है, जिस वजह से रेबका की आँख खुल जाती है और वो फ्यूज बॉक्स चेक करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है। थोड़ी देर में मार्टिन भी जग जाता है और वो रेबका को ढूंढने लगता है। तभी डायना उसका पैर पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है।
लेकिन मार्टिन उसकी तरफ रोशनी कर देता है जिस वजह से डायना उसे छोड़कर भाग जाती है। फिर मार्टिन रेबका को ढूंढते हुए उसी बेसमेंट में चला जाता है। तो दोनों मिलकर फ्यूज बॉक्स को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें समझ में आता है कि कहीं ये सब उन्हें फंसाने का जाल तो नहीं है जो कि डायना ने फैलाया है। फिर दोनों उस बेसमेंट के दरवाजे की तरफ भागते हैं लेकिन डायना उनके दरवाजे को बंद कर देती है और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनकर ब्रेट वहां पर आता है और वो उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है। तभी वहां पर डायना आ जाती है जो कि उसे मार मार कर इधर उधर फेंकने लगती है और ब्रेट यहां पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो घर के बाहर भाग जाता है जहां पर डायना उसे पकड़ लेती है। तभी ब्रेट अपनी कार की लाइट को ऑन कर देता है तो डायना उसे छोड़ देती है। तो इस मौके का फायदा उठाकर ब्रेट अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। तभी सोफी अपने कमरे से बाहर आती है और वो सब कुछ देखकर समझ जाती है कि ये सब डायना ने किया है। फिर डायना उसे डराने की बहुत कोशिश करने लगती है तो सोफी उससे डरती नहीं है और कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है ना कि मुझे तुम्हारी। और वो कहती है कि मैंने कहा था कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। फिर सोफी अपनी पिल्स को लेने के लिए जाती है तभी डायना उस पर अटैक करके उसे मारकर दूर फेंक देती है जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर नीचे बेसमेंट में रेबेका आग जलाकर वहां पर रोशनी फैलाती है तो उन्हें वहां पर एक यूवी लाइट मिलती है। लाइट लेकर रेबेका आगे बढ़ती है जहां पर उसे पता चलता है कि डायना यहीं पर रहती है और उसे दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो कि डायना ने लिखा होता है कि अगर उसके और सोफी के बीच में कोई आएगा तो डायना उसे मार देगी। फिर रेबेका आगे बढ़ती है तो डायना का हाथ उसे पकड़ लेता है और यूवी लाइट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है, इसलिए डायना का भयानक डराना चेहरा सामने आता है। उसे देखकर रेबेका काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर मार्टिन आ जाता है और वह एक स्ट्रॉन्ग टॉर्च को जलाता है। उसकी रोशनी पड़ने पर डायना का हाथ जलने लगता है जिस वजह से डायना उन्हें वहां पर छोड़कर भाग जाती है। थोड़ी देर में ही वहां पर ब्रेट पुलिस को लेकर आता है और पुलिस अंदर जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलती है जिस वजह से दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी पुलिस को घर के अंदर कोई दिखता है जो कि डायना होती है और वह उन दोनों पुलिस वाले को एक एक करके मार देती है। फिर रेबेका मार्टिन और ब्रेट को बाहर जाने के लिए कहती है और वह खुद ही अंदर जाती है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए और वह ऊपर जाती है जहाँ पर डायना उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर नीचे फेंक देती है। फिर डायना रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के जैसे ही मौत मारूंगी। तभी वहां पर पीछे सोफी आ जाती है जो कि कहती है कि मैंने कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहो। तभी रेबेका सोफी से कहती है कि मॉम इसी ने डैडी को मारा है, जिसे सुनकर सोफी डायना को शूट कर देती है। तो डायना कहती है कि इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तभी सोफी अपने आप को ही शूट कर लेती है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी के साथ ही डायना भी खत्म हो जाती है। और फिर यहाँ पर इनके घर पे पुलिस पहुंच जाती है और तीनों यहाँ पर पूरी तरह से बच जाते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी लाइट आउट मूवी की स्टोरी। स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं डायना के बारे में। तो डायना आधी इंसान और आधी डीमन थी जो मरने के बाद ही वापस आ गई और वो खुद को सोफी के साथ जोड़ लिया ताकि वह इस दुनिया में आसानी से रह पाए। जैसे ही सोफी की मृत्यु हुई उसी के साथ ही डायना की भी मृत्यु हो गई और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण दोनों की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।